नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके लिए जो वैकेंसी लाए हैं वो आई है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट है ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। सो रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2020 इन ITBP। सो ये कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए पोस्ट है, यानी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पोस्ट है। तो इसमें देखिए कितनी वैकेंसीज है आपके लिए। तो इसमें 51 वैकेंसीज है और ये जो पोस्ट है ये नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन ग्रुप सी ऑन टेम्परेरी बेसिस। तो ये टेम्परेरी बेसिस है, लेकिन ये लाइकली है कि इसको परमानेंट कर दिया जाएगा इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और ये स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत ये पोस्ट है। सो जो एप्लीकेंट्स है इसको अप्लाई करने के लिए उनको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, कोई और माध्यम से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ऑनलाइन जो मोड है वो 13/7/2020 रात 12 बजे के बाद से चालू हो जाएगी और ये 26/8/2020 12 बजे तक रहेगी। सो इसमें देखिए 51 वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया, और आप डिसिप्लिन देख सकते हैं यहाँ पर। सो बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, आर्चरी, वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स शूटिंग, आइस हॉकी, और इसमें मेल फीमेल की आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई है। सो जो रिक्रूटमेंट है ये मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, और उनके लिए है जो मेडल विनर्स हैं या पोजीशन होल्डर्स हैं या फिर पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसा कि पैरा 4 भी में दिया गया है। तो हम पैरा 4 भी आगे देखेंगे। और इसमें देखिए पे स्केल क्या रहेगा। तो ये 7 CPC पे मैट्रिक्स में इसका पे स्केल देखिए लेवल 3 रहेगा और 21,700 से लेकर 69,100 का इसका बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे जो यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे यहाँ पे। और ये पोस्ट है ये रिस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन के अंडर भी आते हैं। सो एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखते हैं इस पोस्ट के लिए। तो देखिए पहला एज जो कंडीशन है वो 18-23, इसमें रहेगा रिलैक्सेशन वेरियस कैटेगरी वाइज। और एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट चाहिए। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन देखिए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है या कोई मेडल जीता है इन द लेवल ऑफ कंपटीशन जो पैरा 4 बी में दिया है, और 1/1/2018 से 26/8/2020 जो रहेगा वही ही कंसिडर किया जाएगा। तो जो कॉम्पिटिशन हुए होंगे 1/1/2018 से लेकर 26/8/2020 उसी में ही इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया होगा या कोई मेडल मिला होगा तो वही कंसिडर किए जाएंगे। उसमें देखिए या तो उन्होंने इंडिविजुअल कुछ इवेंट किया हो या फिर टीम इवेंट किया हो, तो उसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पर, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। मैं इसको रीड नहीं करूँगा, तो जस्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हुए चलता हूँ मैं आपको। सो एज एंड रिलैक्सेशन जैसा हमने बताया 18-23, और ये रिलैक्सेशन रहेगा कैटेगरी वाइज, इसको आप देख सकते हैं। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर है 1/1/2018 से लेकर 26/8/2020 में जो कॉम्पिटिशन्स हुए थे उसमें ही वो लोग एलिजिबल हैं, और कैंडिडेट्स हैं उनको मार्क्स दिए जाएंगे फॉर एनी हाईएस्ट मेडल सिक्योर्ड बाय हिम और हर ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स। आई किसी कैंडिडेट्स ने एक से ज़्यादा मेडल लिए हैं तो उनको जो हाईएस्ट मेडल पोजिशन उन्होंने ली है उसके लिए ही मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मार्किंग यहाँ पर है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला रीड करता हूँ, ओलंपिक गेम्स या समर या विंटर में देखिए मार्क्स रहेंगे गोल्ड मेडल के 100, सिल्वर मेडल के 96, ब्रॉन्ज मेडल के 92, और अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से देखिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप वर्ल्ड कप के लिए देखिए ये मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वेरियस कॉम्पिटिशन्स के यहाँ पर मार्क्स हैं। तो देखिए सबसे जो कम है वो नेशनल स्कूल गेम्स के लिए यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन है उसके लिए ज़्यादा मार्क्स है क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। तो ये आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी देख सकते हैं आप क्या रहेगा इसमें हाइट एंड चेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो आप ये इसको पढ़ सकते हैं फिजिकल। मेडिकल स्टैंडर्ड में देखिए क्या रहेगा, इसमें आई साइट के बारे में दिया है, कलर ब्लाइंड जो है वो नहीं रहेगा, नॉक नीज, फ्लैट फुट, वेरिकॉज वेन, स्क्विंट इसमें अलाउड नहीं है, और उनकी जो मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और कोई भी मेडिकल कंडीशन और फिजिकल डिफेक्ट उसमें नहीं होनी चाहिए। टैटू के बारे में दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है तो उसको आपको जैसे मैंने बताया ऑनलाइन अप्लाई करना है, और उनको अपनी जो सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स है उसकी
जो कॉपी है उसको अपलोड करनी है। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ़ पेमेंट कितना रहेगा? सो आपको ये ऑनलाइन ही पे करना है, और इसमें जो पे रहेगा वो 100 रुपीज़ रहेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो SC ST हैं उनके लिए फ़ीस का एग्जेम्पशन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या रहेगा इसमें। सो जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस उन एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स जिनके एप्लीकेशंस ऑर्डर में रहेगी, मतलब सब कुछ सही रहेगा, तो उनको डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो PST होता है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला देखिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। सब उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वेरीफाई किए जाएंगे और उनका बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाएगा। तो उसको आप आगे पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है ये। दूसरा जो रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिफाई होंगे उनको PST के लिए बुलाया जाएगा, और उनको देखिए यहाँ सब रहेगा। सो मेरिट लिस्ट देखिए कैसा रहेगा। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जो मार्क्स टेबल Para 4B में जो दिए गए हैं उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उनके बाद उनको डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। सो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से नोटिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, बट यहाँ पे कुछ एनेक्शर्स दिए गए हैं, जैसे एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम देखिए फीमेल के लिए है यहाँ पर, मेल के लिए यहाँ पर है, इसको आप देख सकते हैं एवरेज बॉडी वेट। और यहाँ से अपेंडिक्स 2 कुछ सर्टिफिकेट्स चालू होते हैं, जो कि NOC है आपके, अगर आप स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं तो वहाँ से NOC आपको लाना है। ये आपका OBC के लिए सर्टिफिकेट है, ये SC ST के लिए सर्टिफिकेट है। तो ये सब सर्टिफिकेट्स इस फॉर्मेट में होने चाहिए। जो कैंडिडेट्स को हाइट और चेस्ट के मेजरमेंट में रिलैक्सेशन चाहिए तो उनके लिए ये फॉर्म है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं वेरियस फॉर्म्स हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ से देखिए सारे फॉर्म्स चालू हो रहे हैं यहाँ पर, जो आपको फॉर्म्स एप्लीकेबल है तो इसी फॉर्मेट में आपको वो फॉर्म लेके आना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में और आप जो रिक्वायरमेंट दी गई है, जो रिक्वायरमेंट पूछी गई है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर अपने जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।